चुनावी साल में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व के लिए राज्य में जातीय समीकरण साधना गले की हड्डी बन गया है। राज्य की कमान नए हाथों में सौंपने से पहले पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव में अध्यक्ष की जाति का कहीं खामियाजा न उठाना पड़े। पार्टी ने जाति वर्ग के आधार पर 5 नाम सूचीबद्ध किए हैं। अब समस्या है कि इन वर्गों में भी जातिगत प्रतिद्वंद्विता है, इससे बचना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर भाजपा जातिगत समीकरण के चक्रव्यूह में फंस गई है। इससे निकलने के लिए अब पार्टी चुनाव अभियान समिति का सहारा लेने पर विचार कर रही है, ताकि एक जाति को पार्टी की कमान और उसके प्रतिद्वंदी जाति को अभियान समिति के संयोजक का दायित्व देकर संतुलन साध सके। हालांकि इसमें समस्या यह है कि पार्टी ने समिति बनाने का निर्णय तो राज्य में शक्ति संतुलन थामने के लिए किया है, लेकिन इसका उपयोग जातीय समीकरण साधने के लिए करना पड़ा तो उसका औचित्य खत्म हो जाएगा। अभियान समिति को लेकर पार्टी की मूल सोच है कि राज्य में ऐसे त्रिकोणीय शक्ति स्तूप बनाए जाएं कि संगठन पर किसी एक की पकड़ अंतिम न हो। इससे राज्य की इकाई में केंद्रीय नेतृत्व का सीधा दखल भी बना रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अब तक 5 नाम सामने आए हैं। इनमें सामान्य वर्ग से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और LM दवे, दलित वर्ग से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, OBC वर्ग से भूपेंद्र यादव एवं सतीश पूनिया शामिल हैं। सभी नामों में किसी न किसी खेमे के अंदर खाने में विरोध देखने को मिल रहा है। पार्टी को इस मामले में दलित एवं सामान्य वर्ग की नाराजगी की चिंता भी है। पार्टी के पास एक रास्ता यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जातिगत समीकरण नहीं बैठने पर पार्टी ने 2 नामों को सुरक्षित रखा है। इनमें से एक कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी, जो पहले पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरे कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जो पुराने अध्यक्ष अशोक परनामी के सिंधी पंजाबी समाज से ही हैं।